हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है रश्मि सिंह के ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं ना आज ब्लॉग शाम से स्टार्ट कर रही हूँ, तो कपड़े मैं छत से लेके आई हूँ, इसको धोकर के रख देती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सबसे। कपड़े तो सारे समेट के रख दिए। और चलिए मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, बिटिया गुजिया खा रही है। पकड़ 80-90 वो 80-90 पूरे सौ सौ में लगा धागा, चोर निकल के भागा को पकड़ लो, रस्सी में कस लो, सब गलत बोली, तोड़ दी फ्लो। आगे फ्लो से क्या याद ही नहीं, इसका मतलब तुमको याद है। चलो फिर से करो। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे सौ सौ में लगा धागा, चोर निकल के भागा, चोर को जकड़ लो, रस्सी में पकड़ लो, की माफी उसको दे दो टॉफी। यस, कौन कौन खेला है ये गेम? यस, टूटा टूटा हमका मिला है, टूटा टूटा वो भी जली जली, इसीलिए तो टूटा है। मैं नहीं खाऊंगी इसको, तो आप ये ले लो, मुझको ये दे दो। तुम तो खा आ रहा है, ये कौन खा रहा है अभी इन तीनों में? नहीं नहीं, तो ये गुजिया आखिरी थी, इसीलिए हम लोग अक्कड़ बक्कड़ कर रहे थे कि कौन किसको मिलती है। तो गुजिया खा के पानी पिए, फिर ये चुकंदर है इसको भी खा लेते हैं, फिर चलते हैं किचन। हमने गुजिया खा के पानी पिया, सारे कपड़े धोकर के रखी, और ना चुकंदर खराब होता है, उसको भी छील के खाया और लहसुन भी छील लिया। तो चलिए मैं बनाऊंगी आज, पहले चाय बना लेती हूँ, फिर बताती हूँ कि मैं क्या बनाऊंगी। तो चलिए चाय बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सबसे। आप सब बने रहिएगा ब्लॉग में, कहीं मत जाइएगा। चलिए मैं आप सबको हिंट दे देती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। ये देखिए, ये छोला चना, तो इसके साथ मैं बनाऊंगी पूड़ी, मतलब भटूरा। भटूरा और इसको भी उबालने के लिए रख देती हूँ, और एक तरफ चाय रखूँगी, बाकी शाम का दिया जलाऊँगी। दिया वो जला लेती हूँ, फिर आप सबसे मिलती हूँ। आप सब बने रहिएगा ब्लॉग में, आ रही हूँ मैं वापस। अब फ्रेंड, आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, जरा सा भी अच्छा लगता है कमेंट में बताया करिए, और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताया करिए, क्योंकि ऐसे तो पता नहीं चलता कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं ना। तो ये दो दिया जलाई हूँ मैं, एक अंदर रखूँगी और एक ले चलूँगी बाहर रखने के लिए। शाम की पूजा हमने कर लिया, एक दिया मैंने अंदर जलाया और एक दिया मैंने बाहर रख दिया। और फिर मैं आई किचन में, छोले को धुला और इसमें थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ी सी हल्दी डाली, फिर ढक्कन लगाया कि इसको रख देंगे पकने के लिए। इधर मैं बना लेती हूँ चाय, चाय बना लेती हूँ, पी लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आप सबको कि मैं कैसे बनाऊँगी छोला। तो इधर हम लोग चाय पी लिए बैठ के टीवी देखते हुए। अभी बर्तन में चाय का नहीं धुलूँगी, देखती हूँ छोले का क्या हाल है। सीटी आ गई है, चेक कर लेती हूँ पक गया है नहीं, तो छोला पक गया है। उबलने के लिए थोड़ा थोड़ा ठंडा हो गया है छोला का चना, तो चलिए इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं और फिर बनाते हैं। तो किसका किसका फेवरेट है कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलिए मसाला तैयार कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। बच्चे के ठहर के देख रहे हैं, सब लोग टीवी देख रहे हैं। छोला मसाला में ना गरम मसाला थोड़ा ज़्यादा रहता है, जिसमें जीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और दालचीनी और 3 चम्मच धनिया डाल के मैंने पीस लिया है। और इसी में ना मैं टमाटर पीस लूँगी, तो टमाटर मैंने 3 लिया है। और इधर कुकर से मैं छोला पलट लेती हूँ और कुकर रख देती हूँ गैस पे जला के। इसी में मैं डाल दूँगी सरसों का तेल, और अब इसमें डालूंगी मैं 1 चम्मच जीरा और 2 तेज़पत्ता और थोड़ा सा एक चुटकी हींग भी डाल दूंगी। प्याज डालने के बाद उसको अच्छे से भूनेंगे। और इधर ना मैं मसाले में हल्दी डाल देती हूँ, तो एवरेस्ट मसाला मैं नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि पीसते हुए सारे गरम मसाले मैंने पीसे हैं। लौंग भी मैंने डाला था और काली मिर्च, शाही जीरा सब डाल के मैंने पीस लिया है। और इधर मसाला डाल देंगे, तो मसाला ना कलर छोड़ चुका, मतलब तेल छोड़ चुका है, देख सकते हैं। अब इसी में हम डाल देंगे पिसा हुआ टमाटर। टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा भूंजेंगे,
और एक खटाई भी इसमें डाल देंगे। खटाई डालने से ना छोले का स्वाद बहुत अच्छा आता है। और ये छोला चना ना थोड़ा सा कलछुल से इसको ऐसे ऐसे पीट लेंगे तो जो एकदम खड़ा खड़ा है, खड़ा नहीं रहेगा, थोड़ा सा टूटा रहेगा, थोड़ा सा खड़ा, तो बहुत अच्छा आएगा टेस्ट खाने में। तो इधर मसाला भी हो गया, टमाटर भी पक गया, अब इसी में डाल देंगे छोले को। और छोला डालने के बाद थोड़ा सा भूंज लेंगे, फिर इसी में डाल देंगे हम लाल मिर्ची थोड़ा सा, आधा चम्मच, और डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, और डाल देंगे पानी। पानी कम ज़्यादा अपने हिसाब से हम कर सकते हैं। मैं ना बहुत ज़्यादा पतला नहीं कर रही हूँ क्योंकि भटूरा से छोला थोड़ा गाढ़ा ही अच्छा लगता है। तो अब इसमें पानी हमने डाल दिया है एक कटोरी, बड़ी कटोरी से। और अब इसमें नमक डाल के बस ढक्कन लगा के कुकर को बंद कर देंगे। दो सीटी आ जाएगी ना तो समझ लीजिए छोला बन जाएगा। चलिए इसको बंद कर देते हैं। तो हमने डाल दिया मसाला वसाला भूज के, और इसका मसाला कलर देख सकते हैं अभी से चेंज हो गया। सीटी आएगी तो आप सबको दिखाती हूँ। और इधर मैं अब सान लूँगी भटूरा के लिए आटा। तो ये है मैदा, इसको देख लेती हूँ कुछ है तो नहीं इसमें, फिर दही डाल के सानूंगी और फिर बनाऊँगी भटूरा। तो चलिए तब तक छोला हो रहा है, जब तक मैं आटा सान लेती हूँ। तो आटा मैंने चाल लिया, कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा इसमें नमक डाल रही हूँ। और ये है दही, इसको थोड़ा सा फेंट लेती हूँ। ये दही ना हस्बैंड जी लाए थे, तभी से मेरा प्लान था छोला भटूरा बनाने का। पर उस समय बहुत चीज़ें फ्राई थी, चिप्स था, गुजिया थी, मटरी थी, तो मैं नहीं बनाई। तो मैंने कहा चलो बच्चों के लिए बना देती हूँ, जब हस्बैंड जी आएंगे तो फिर से बना दूँगी। तो आटे को थोड़ा थोड़ा दही डाल के मैं सान लेती हूँ, और कुक सीटी भी आ गई है छोले में। तो आटा मैंने सान लिया, इधर सारे बर्तन मैं धुली, चाय का हाथ धुल रही थी, मैंने कहा चलो बर्तन भी धुल देती हूँ। और इसको थोड़ा सा ढक के रख देती हूँ और देखती हूँ छोला कैसा है, पका कैसा है, गाढ़ा है कि पतला है। ये देखिए इतना अच्छा बना है कि मैं आप सबको क्या बताऊँ। ये तो जो खाएगा वही जान पाएगा कैसा बना है। आज इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ी सी धनिया, बाकी कुछ नहीं डालूंगी। और मसाला मैंने एवरेस्ट नहीं डाला है, बस पिसी हुई धनिया, बाकी सारे गरम मसाले यूज करके मैंने बनाया है। और वाकई में बहुत टेस्टी बना था। आटा सान के रख दिया हमने, छोला हो गया है, थोड़ा सा आटा भीन जाए दही उसमें, फिर चल के हम बनाएंगे भटूरा। छोला तो बहुत अच्छा बना है, कलर देखे आप सब। अब भटूरा बनाती हूँ, देखती हूँ कैसे बनता है। चलिए तब से थोड़ा मैं हवा भी ले लेती हूँ क्योंकि गर्मी आ गई, आ चुकी है, देख सकते हैं पसीना। तो लीजिए कढ़ाई मैंने गैस पे रख दिया है और इसमें डाल दिया रिफाइंड, और ये चार पांच मैं बना ली हूँ इकट्ठे, ताकि एक एक फ्राई करती जाऊँ। और इधर चकवा बना के रखती जा रही हूँ क्योंकि अकेले बेलना काटना रहता है तो भटूरा बिटिया बेल नहीं पाएगी। तो ये देखिए, और देख सकते हैं बेइज्जती हो गई, फूला ही नहीं। और ये देखिए मैं डालती जा रही हूँ, अब मैं क्या बताऊँ आप सबको, फूल ही नहीं रहा है। ये देखिए आधा फूल रहा है और फिर फूट जा रहा है, फूल रहा है पर एकदम से नहीं फूल रहा है। फिर भी बच्चे बोल रहे हैं मम्मी निकालो खाना है, तो चार पांच मैंने बना लिया है। और ये देखिए ये वाला बहुत मतलब फूलेगा, ये देखिए तो बहुत अच्छा फूला। उसके बाद सब फूला जो मैं स्टार्टिंग में डाली थी ना, वही पता नहीं से फूट फूट जा रहा था, मुझे लगता है मैं बेल के रख दी थी इस वजह से कहा। और ये देख सकते हैं सब फूल रहा है, तो मैं कह सकती हूँ कि फूले फूले भटूरे और छोले। मुझे तो लगा बिल्कुल नहीं फूलेगा, पर अब देख सकते हैं सब फूल रहा है। ये देखिए तीन चार मैंने डाला लगातार, सब फूले हैं। बस शुरू में जो मैं आप सबको दिखा रही थी वह नहीं फूल रहा था, और यहाँ बच्चे खाना शुरू कर दिए हैं। तो चलिए उन लोग को फूला फूला दे के आती हूँ, ये वाला मैं लेके चलती हूँ। और छोला बोल रहे हैं इतना टेस्टी बना, कुछ कमी नहीं, तीखा नमक सब कुछ बहुत फिट है।
बन गया छोला भटूरा दोनों। और ये देखिए अब ये मेरी थाली, हस्बैंड जी है नहीं, ड्यूटी से आए नहीं, तो हम और बच्चे हैं, बच्चे खा लिए, हम जा रहे हैं खाने। और जब आप सबको दिखा रही थी तो नहीं फूला भटूरा, उसके बाद काफ़ी अच्छा फूला है। चलिए खा के देखते हैं कैसे बना है, फिर मिलते हैं आप सबसे, आप सब बने रहिएगा ब्लॉग में, चलते हैं फिर। यहाँ पर मेरा खाना भी हो गया, थाली देख सकते हैं एकदम सफ़ा चट हो गई है, बहुत टेस्टी बना था। और चलिए मिलते हैं आप सबसे न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।